नमस्कार दोस्तों, आप देखते हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिलाओं के प्रति क्रूरता, यानी 498A का जो केस होता है वो हम किस स्थान पर दाखिल कर सकते हैं, उसका प्लेस ज्यूरिडिक्शन क्या होगा। सामान्यतः कोई भी अपराध उसका विचारण उस स्थान पर होता है जहां वो अपराध किया जाता है। जो प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 में दी है कि 177 ये कहती है कि जिस स्थान पर अपराध हुआ या उसका परिणाम निकला वहां पर हम, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ वहां पर हम मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन अब 498 के केसेस जो बेसिकली होते हैं उसमें क्या होता है, हस्बैंड और जो वाइफ का जो विवाद हो जाता है तो वाइफ मोस्टली रिटर्न बैक हो जाती है अपने मायके में, जो उसका मैट्रिमोनियल फॉर्म होता है वहां वो लौट जाती है और फिर वो वहां से मुकदमा करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप वो वहां उस स्थान से मुकदमा कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जनरली प्रोविजन ये था कि उस जो उसकी के साथ घटना हुई है अगर उसमें ज्यूरिडिक्शन उस स्थान को बन रहा है तब तो उस स्थान पर मुकदमा हो सकता है, अदरवाइज उस स्थान पर मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो नए केसेस दिए जिसमें उन्होंने कहा कि महिला जहां पर शेल्टर लेती है, जहां आश्रय लेती है वहां पर भी कर सकती है। तो पहले जो केस आया वो आया एक रूपाली वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तो रूपाली वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस ये जनरली था कंप्लेंट केसेस से रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने कहा रूपाली देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में कि महिला जिस स्थान पर शेल्टर लेती है, आश्रय लेती है, वहां उस स्थान से भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है भले ही वहां पर कोई भी घटना कार्य नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर महिला के संग मारपीट क्रूरता उसकी इन लॉज वाले हाउस जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में है वहां हुई है और वो फिर सब्सिक्वेंटली चली जाती है मुंबई में, तो वो मुंबई में कोई अपराध नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई तो वहां पर वो नहीं कर सकती थी। लेकिन इस केस के बाद रूपाली वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के बाद जो 2019 का केस है उसके बाद वो वहां पर वर्क फाइल कर सकती है। सब्सिक्वेंटली एक और केस आया निकिता वर्सेज यादविंदर सिंह। तो निकिता वर्सेज यादविंदर सिंह वाले केस में इस चीज को और थोड़ा सा आगे ले जाया गया और इसमें यह भी कह दिया गया कि महिला परवाद नहीं, ना केवल परवाद बल्कि FIR भी उस स्थान पर कर सकती है जहां वो शेल्टर लेती है। तो इस प्रकार से आज के समय में अगर कोई महिला जिसके साथ क्रूरता होती है उसके इन लॉज वाले हाउस में, चाहे वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, भोपाल, जबलपुर, कहीं भी हो, उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो शेल्टर लेती है अपने मायके में, तो मायके वाले जगह पर कोई भी घटना नहीं हुई हो, कोई क्रूरता नहीं हो, फिर भी वो वहां से कंप्लेंट फाइल कर सकती है। रूपाली वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में यह हैंड हुआ है और निकिता वर्सेज यादविंदर सिंह जो दोनों केसेस 2019 के केस हैं और 2-3 महीने के, वो 1 अप्रैल का केस है रूपाली सिंह वाला और जुलाई 2019 में यादविंदर सिंह वाला जो केस है निकिता वर्सेज यादविंदर सिंह, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला जहां शेल्टर लेती है वहां भी अपना केस फाइल कर सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ये पर चर्चा की, अगले वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे 498 के मुकदमा होने पर हस्बैंड के पास क्या क्या राइट्स हैं और क्या उसकी अरेस्टिंग होगी या अरेस्टिंग नहीं होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे।